नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इनकम टैक्स का रिटर्न हम ई वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ई वेरीफाई किया जा सकता है और ऑफलाइन भी किया जा सकता है, दोनों ही तरीके मैं आज आपको बताऊंगी। यदि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया है, या खुद फाइल किया हो, या फिर आपने किसी कंसल्टेंट से फाइल किया है, तो भी ये जरूर चेक कर ले कि आपका रिटर्न ई वेरीफाई हुआ है या नहीं। क्योंकि जिस तारीख को आपने रिटर्न सबमिट किया है, उस तारीख से 30 डेज के अंदर आपने उसका ई वेरीफिकेशन नहीं किया है, तो आपका रिटर्न जो है वो इनवैलिड हो जाता है। तो ई वेरीफाई कैसे करना है जरूर चेक कर ले, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। और यदि नहीं हुआ है तो आप उसको ई वेरीफाई कर दीजिए। इसके लिए आप इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करें, www.incometax.gov.in। पोर्टल पर आने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें, यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा इंटर करें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ प्लीज कंफर्म पर क्लिक करें, पासवर्ड इंटर करें। पासवर्ड नहीं भी पता है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाए, आधार ओटीपी से आप बहुत आराम से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब ई फाइल में जाएं, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करें। अब देखिए, यदि कोई रिटर्न आपका ई वेरीफिकेशन के लिए पेंडिंग है तो वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी जैसे दिख रहा है कि एक रिटर्न ई वेरीफाई के लिए पेंडिंग है, जितने भी रिटर्न पेंडिंग होंगे सब यहाँ पर आ जाते हैं। तब यहाँ ई वेरीफाई पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद ई वेरिफिकेशन के ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर आप आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं, डीएससी से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमेट, सबसे आप किसी भी इसमें से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सबसे इजी ऑप्शन रहता है जो आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके द्वारा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ओटीपी एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार वाले को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री सिलेक्ट करें, फिर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। जो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी यहाँ पर इंटर करें। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये आपका ई वेरीफिकेशन हो गया। अब जाके आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है पूरी तरह से सबमिट हुआ माना जाता है। यहाँ से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो रिटर्न आपने फाइल किया है वो डाउनलोड रिटर्न से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से तो ये तो थी आपकी ऑनलाइन प्रोसेस, लेकिन यदि आप ई वेरीफाई जो है वेरिफिकेशन जो है वो ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए वही आप ई फाइल पर आए। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप यहाँ पर जाएं, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें। उसके बाद जितने भी रिटर्न आपने फाइल किए सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर दिख लिए कौन कौन से पेंडिंग है, जैसे यहाँ ऊपर आपको दिख जाएगा, जैसे अब आईटीआर फाइल हुआ उसके बाद अभी तक ये ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो यदि वो प्रोसेस हो जाता है तो इसके ऊपर प्रोसेस आ जाता है। तो अभी का स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, इसका मतलब हमको इसमें ई वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप ऑफलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर एक डाउनलोड रिसिप्ट का भी ऑप्शन हो रहा है, जिस ईयर का भी हमको ई वेरीफाई करना है वहाँ पर से आप डाउनलोड रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें। उसके बाद जो रिसिप्ट डाउनलोड हो गई है उसको ओपन करें। अब ये रिसिप्ट हमने ओपन की है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिग्नेचर का कॉलम दिखेगा, या सिग्नेचर के सामने इसी बॉक्स में ये जो बॉक्स दिख रहा है यहीं पर आपको अपने सिग्नेचर करना है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो आप देखिए, बस आपको इस फॉर्म में सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं और इनको पोस्ट करना है। पोस्ट में ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट करना है आपको, और साइन जहाँ तक हो सके आप ब्लू इंक से ही करें। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इंस्ट्रक्शन है, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ITR 42 सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, ये एड्रेस है पूरा, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंगलोर। तो ये आपको बैंगलोर, आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेजना है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आप देख लें, फिर ये स्पीड पोस्ट से भेजे, ये रिसिप्ट भी आपकी विद इन 30 डेज पहुँच जानी चाहिए।